गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सिंपली टाइप RAVI RUASHN रवि रोशन KR6388। इट इज़ आवर फोर्थ क्लास ऑन द अकाउंटेंसी। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड आवर टॉपिक, ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड आवर चैप्टर, बट आई रियलाइज्ड दैट समथिंग मोर आई वॉन्ट टू कन्वे यू अबाउट द टर्म्स यूज इन प्रीवियस क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने लगभग अपने पहले चैप्टर को, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को, ख़त्म कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं या कुछ ऐसे टर्म हैं जिन्हें बताना ज़रूरी है, तो इसीलिए आज का ये क्लास फिर से पहले ही चैप्टर से रिलेटेड है, पहले ही चैप्टर का है। और इसके बाद हम लोग जो हमारा ये लास्ट फेज होगा इस क्लास का, उसमें हम क्वीज़ कंडक्ट करवाएंगे, उसमें 20 या 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। इफ़ यू डू सो, यू डूइंग वेल। तो गाइज, चलिए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। टुडे आई एम डूइंग माई क्लास फ्रॉम माई नेटिव विलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाट इज़ इन दिस सेशन? इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द फॉलोइंग, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। पिछले क्लासेस में मैंने बार बार इन वर्ड्स का यूज़ किया कि हम जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख लेते हैं, उनको कंक्लूड कर लेते हैं, तो फिर इसको हम कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इसके यूज़र को। तो ये यूज़र क्या है, इसी की बात हम आज करेंगे अपने पहले टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा होगा रोल ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट के क्या रोल होते हैं अकाउंटिंग में। एंड द थर्ड वन इज़ सम बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे मैंने एंटिटी की बात की होगी, उसके अलावा मैंने ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया होगा, एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का। तो इन सारे टर्म्स को, कुछ एक टर्म को आज हम जानेंगे, और इसके लिए अलग से हमें चैप्टर ही पढ़ना है बेसिक टर्म के बारे में, लेकिन आज फ़िलहाल कुछ टर्म को हम लोग डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन, और आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। और हमारा पहला टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बाह्य और आंतरिक उपयोगकर्ता। तो आंतरिक उपयोगकर्ताओं में, मीन्स इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन आते हैं? तो पहले इसमें आते हैं बिजनेस ओनर, जो बिजनेस में रिस्क लेते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्हें सबसे पहले इसकी जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि इसी बेसिस पे वो अपने आगे के डिसीजंस लेते हैं, आगे के पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसीलिए ये पहले हैं इंटरनल यूज़र, बिजनेस ओनर। दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बिजनेस ओनर ही इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर कोई और भी हो सकता है। कभी कभी कंपनीज़ के सेंस में इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इसीलिए वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं अपना, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वो भी देखते रहते हैं कि हमने जिस फर्म में, हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्या वाकई वो प्रोग्रेस कर रही है या नहीं है। और फिर हम बात करें अगर अपने तीसरे इंटरनल यूज़र की, तो वो है मैनेजर्स। मैनेजर्स का भी इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल होता है। कई तरह के मैनेजर्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं। तो हर एक मैनेजर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ईच और एवरी वन ऑफ देम नीड्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो इट दे आर ऑल्सो ट्रीट एज अ इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एंड द फोर्थ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल यूज़र आर एम्प्लॉयज़ इन एनी फॉर्म। Employees are the pillar. We can say simply employees are the pillar. If employees are not working well, our organization can't do anything more, can't do progress. And it's very important that every employee want to know their future, want to know what about going on in the organization, in the entity. So, इनका भी अपना एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। अब हम बात कर लें
एक्सटर्नल यूज़र की। तो एक्सटर्नल यूज़र गाइज इसमें सबसे पहले आते हैं लेंडर्स। लेंडर मतलब जो कर्ज देते हैं किसी भी फर्म को। एनी वन हु विल लेंड द मनी एंड द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेंडर। तो लेंडर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जानकारी रखना चाहते हैं इसकी, इसीलिए हमारे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इनका हमारे कंपनी से कोई सीधा संबंध नहीं होता, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कंपनी, सो इट इज़ एक्सटर्नल यूज़र। सेकेंड वन इज़ सप्लायर। सप्लायर मीन्स इफ़ वी परचेज एनीथिंग फ्रॉम अ सप्लायर, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम सारा कुछ उससे कैश खरीदें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रेडिट पे हम खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें भी इसकी ज़रूरत होती है। वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के, उसके रिकॉर्ड्स को देख के, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन का, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन का अंदाज़ा लगा लेते हैं, और फिर उसी बेसिस पे वो हमें मटेरियल्स, वो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं और हमें आसानी से क्रेडिट पे सप्लाई कर देते हैं। तीसरा है कस्टमर। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, जो गुड वो ले रहे हैं, जो गुड्स, तो उनके बारे में उनका ये अधिकार है, दे हैव अ राइट टू नो ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, ऑल अबाउट द गुड्स। सो द थर्ड एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ आवर कस्टमर्स। फोर्थ वन इज़ टैक्स अथॉरिटीज़। व्हेन वी रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन, वी फाइनलाइज द बैलेंस शीट, तब टैक्स कैलकुलेट होता है। टैक्स कैलकुलेट करने की बात आती है और वहीं पे टैक्स अथॉरिटी जो होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो गए हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इसलिए ताकि वो सही सही अंदाज़ा लगा सकें और ये देख सकें कि इसमें कहीं कोई बार्गेनिंग, कहीं कोई घपला तो नहीं किया गया है, कहीं कोई एरर्स तो नहीं है इसमें। तो इसीलिए टैक्स अथॉरिटी जो है उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, एंड दे आर द फोर्थ एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ वन इज़ आवर कंपिटिटर। कंपिटिटर इज़ डू सो बिकॉज दे वांट टू इम्प्रूव दियर एंटिटी, इम्प्रूव दियर ऑर्गेनाइजेशन कंपेरेटिवली टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरी कंपनी से, दूसरे फर्म से वो क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं खुद को, अपने आप को वो तुलना करते हैं अपनी कंपनी का उससे, कि हम, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन से हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, फिर वो इसी हिसाब से अपना आगे की स्ट्रेटेजी वो फॉलो करते हैं। बात कर ले हम अपने अगले एक्सटर्नल यूज़र की, तो वो होते हैं गवर्नमेंट। सरकार भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखती हैं, उन्हें भी इसकी ज़रूरत होती है कि हम, क्योंकि हम गवर्नमेंट को ही इनडायरेक्टली टैक्स प्रोवाइड करते हैं, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनडायरेक्टली देते हैं, डायरेक्टली देते हैं, बट इट गोज़ डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट अकाउंट। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर टू नो द टेक्निकल नो हाउ, टू नो द टेक्निकल नो हाउ ऑफ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट। एंड द लास्ट वन इज़ पब्लिक। पब्लिक को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वो भी बखूबी देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करना होता है इन फ्यूचर, वो कहीं इन्वेस्ट करने की सोचें, कुछ खरीदने की सोचें। पब्लिक इज़ आवर फ्यूचर परचेजर, फ्यूचर कस्टमर। सो वो देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और तब पता करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे कोई बैंक है तो उसने क्वार्टरली अपना बैलेंस शीट किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, तो जो जनरल पीपल होते हैं, जो सिविलियन होते हैं, वो क्या करते हैं, उस बैलेंस शीट को देखते हैं और उन्हें बहुत कुछ तो समझ में नहीं आता, लेकिन वो फाइनली कंक्लूड करते हैं उसको कि इसकी जो नेटवर्थ है, इस बैंक की जो नेटवर्थ है वो कितनी है और पिछले साल से इसने इम्प्रूवमेंट किया है या नीचे गई है। देन ही और सी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट दियर मनी इन द कंसर्निंग बैंक और कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट, आ रही होगी बात समझ में। चलिए, तो ये थे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र जो हमारे पहले हेड्स में हमको पढ़ना था। और अब बात कर लें हम अपने दूसरे टॉपिक की, तो वो है रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट का क्या रोल होता है अकाउंटेंसी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एंटिटी में, किसी कंपनी में, किसी फॉर्म में। द फर्स्ट रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इज़ टू मेंटेन अ बुक ऑफ अकाउंटेंसी। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी रखी ही इसलिए जाती है ताकि हम अपने अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन कर सकें,
एज अ रूल उन्हें हम कंडक्ट कर सकें। तो इसीलिए सबसे पहला जो अकाउंटेंट का रोल है, सबसे पहली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। द सेकेंड वन इज स्टैचुअरी ऑडिट। क्या है ये स्टैचुअरी ऑडिट? तो स्टैचुअरी ऑडिट जो होता है ये वैधानिक होता है, ठीक है। ये उन कंपनियों पे लागू होता है जिनका टर्नओवर, अभी मैं मिस कर रहा हूँ, बाद में इसे कन्वे कर दूंगा कि कितना टर्नओवर होना चाहिए। तो एक मापदंड बनाया गया है, क्राइटेरिया बनाया गया है हमारे गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर इतना है या अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ इतना है तो फिर उसे स्टैचुअरी ऑडिट करवाना जरूरी है, वैधानिक अंकेक्षण करवाना जरूरी है। तीसरा जो है वो है हमारा इंटरनल ऑडिट, इसे हम आंतरिक अंकेक्षण बोलते हैं। तो एक अकाउंटेंट जो है वो इंटरनल ऑडिट भी करता है, इंटरनल ऑडिट भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि फाइनल ऑडिट जो होता है उससे पहले ही हम अपने कर्मचारियों के बीच, अपने मैनेजर्स के बीच कभी भी सरप्राइजिंगली ऑडिट कर देते हैं, तो उसको हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। बजटिंग की अगर हम बात करें तो बजटिंग का मतलब होता है टू मेक बजट, टू प्रिपेयर बजट। तो ये रोल भी अकाउंटेंट का है। द सिक्स्थ वन इज टैक्सेशन, व्हेन वी कैलकुलेट द टैक्स, टैक्स ऑन सेल्स, टैक्स ऑन एनी एसेट्स एंड टैक्स ऑन आवर प्रॉफिट, टैक्स ऑन आवर नेटवर्थ। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटेंट की, ये भी इसका एक रोल है कि वो टैक्सेशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करे। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन का मीन्स मतलब क्या होता है? जांच करना। तो एक फर्म में अगर कोई रिकॉर्ड्स रखे गए हैं तो यही सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हम उसके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर लें कि हाँ भाई इसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी सही है और इसने डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो किया है, देन वी शुड वेरीफाइड। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, हम उसे क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज़ कि किसी बिजनेस एंटिटी में कोई एक कार है जिसका वैल्यू जो है ओवर प्राइस्ड करके रखा गया है, कार 4 लाख की है और उसको बताया गया उसमें 8 लाख की। तो यहाँ पे एक अकाउंटेंट का रोल क्या होता है कि वो वाकई उस वैल्यू को क्रॉस चेक करे कि क्या वो वैल्यू सही है, और अगर गलत है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाए। सेवेंथ है मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। जो भी मैनेजर्स होते हैं, मैंने अभी अभी कुछ मैनेजर्स की बात कही, जैसे हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, तो कई मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग स्किल पे काम करते हैं। तो एक एडवाइजरी सर्विस के रूप में, एक सलाहकार के रूप में भी अकाउंटेंट काम करता है। सो इट इज़ द सेवेंथ रोल ऑफ एन अकाउंटेंट टू एडवाइज द मैनेजमेंट। एंड एट वन इज इन बाइंडिंग ऑफ ए कंपनी इज दे एक्ट एज ए लिक्विडेटर फॉर द कंपनी। वट इज ए लिक्विडेटर? लिक्विडेटर क्या है? तो लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु परफॉर्म अ टास्क वेन अ कंपनी और वेन अ फर्म और वेन अ पार्टनरशिप एंटिटी इज बाइंडिंग अप। जब कभी कोई पार्टनरशिप फर्म, जब कभी कोई कंपनी, उसका बाइंडिंग अप होता है, उसका समापन होता है, तो लिक्विडेटर का काम क्या है कि उसकी जितनी भी संपत्तियाँ हैं, ऑल दोज एसेट्स टू बी सेल्ड, वो सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे, और उसके बाद जो फिर पैसा वो कलेक्ट करेगा, उन पैसों से पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को, फिर उसके बाद इंटरनल लाइबिलिटीज़ को, और देन ही रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स और ऑनर ऑफ अ कंपनी। तो ये लिक्विडेटर होता है। तो ये भी अकाउंटेंट का ही रोल है। और हम अपने 9th रोल पे, जो लास्ट रोल है हमारा अकाउंटेंट का, उस पे आ गए। तो एन अकाउंटेंट आल्सो वर्क एज एन आर्बिट्रेटर टू सेटल ऑफ डिस्प्यूट। विवाद और झगड़ों के निपटारे में एक अकाउंटेंट जो है आर्बिट्रेटर, पंच के तौर पे काम करता है। व्हेन इन एनी फर्म द टू पार्टीज डिस्प्यूट्स विथ वन अनदर, अगर किसी फर्म में दो पार्टीज विवाद करते हैं किसी भी बात पे, तो अकाउंटेंट जो है अपने अकाउंटेंसी बुक्स को, अपने रिकॉर्ड्स को, उन्हें कन्वे करके, उन्हें कम्युनिकेट करके, और फिर उन्हें भरोसा दिला के उस झगड़े को शांत कर सकता है। सो इट इज़ द 9th मेन रोल ऑफ एन अकाउंटेंट टू सेटल अ डिस्प्यूट बीइंग एन आर्बिट्रेटर एज एन अकाउंटेंट। अब जो हमारा थर्ड हेड है उसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे और बारी बारी से हम इसको देखेंगे कि क्या होता है। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में बहुत बार एंटिटी वर्ड का यूज़ किया है, क्या होता है ये एंटिटी? तो एंटिटी मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी मीन्स अ थिंग दैट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटो प्रॉफिट मेकिंग हो उसे हम एंटिटी कह सकते हैं,
ठीक है, उसे हम बिजनेस एंटिटी कह सकते हैं, व्यापारिक संगठन। दूसरा है हमारा ट्रांजेक्शन, जिसका हिंदी मतलब होता है लेन देन। एन इवेंट इन्वॉल्व सम वैल्यूज बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, जब दो लोगों के बीच में या दो एंटिटीज़ के बीच में कोई लेन देन हो, कोई ट्रांजेक्शन हो, तो उसे हम यहाँ रखते हैं। इट कैन बी रिसिप्ट ऑफ मनी, परचेज ऑफ सेल्स और गुड्स। इसमें हम रिसिप्ट ऑफ मनी को, कहीं कोई गुड्स खरीद रहे हैं, कहीं कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम लिखते हैं। इट कैन बी टू टाइप्स, ये दो तरह का हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ द थर्ड बेसिक टर्म इज एसेट्स। एसेट्स को हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म। एसेट्स एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स है एक एंटरप्राइजेज के पास, जिसमें क्या होता है कि वो उसे मॉनिटरी वैल्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो इसलिए होता है कि इन द बैड डेज, जब किसी फर्म की, जब किसी कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उस समय उस एसेट्स का वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो उनके डेली वर्क में उनकी हेल्प करते हैं। द फोर्थ बेसिक टर्म इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ को हम हिंदी में दायित्व बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट द सेम टाइम और इन फ्यूचर। लाइबिलिटी एक ऐसा दायित्व है जिसे किसी इंटरप्राइज को उसी समय पे करना होता है, या फिर हो सकता है वो फ्यूचर में भी उसे पे करे। कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल को हम हिंदी में पूंजी बोलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ओनर इन द फॉर्म इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी इन कैश और इन एनी एसेट्स। कोई भी अमाउंट जो किसी ऑनर के द्वारा कहीं एंटिटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एंटिटी में लगाई गई है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। हो सकता है ये कैश के फॉर्म में हो, अदरवाइज ये एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। सेल्स की बात अगर हम करें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड इज नोन एज सेल्स। सेल्स को हिंदी में बिक्री बोलते हैं। अगर हम किसी सर्विस को बेच रहे हैं या फिर किसी गुड्स को बेच रहे हैं, सर्विस कल मैंने बताया था, सर्विस जैसे हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी जो है वो है सर्विस प्रोवाइडर। वाटर सप्लायर कंपनी जो है वो है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, सेल्स की हम बात करें तो सेल्स किसी गुड्स का होता है, जैसे हम ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, हम अपने घर के दैनिक सामान को खरीदते हैं, किराने की दुकान से सामान खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें जिनसे रेवेन्यू, जिनसे टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसे हम सेल्स कहेंगे। क्रेडिटर्स को हम लोग हिंदी में लेनदार बोलते हैं। दे आर द पर्सन हु हैव टू बी पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से पेड करना पड़ता है, रुपए पेड करने पड़ते हैं। अब इसके ठीक अपोजिट डेटर सेक्टर में आता है, जिसको हिंदी में हम देनदार बोलते हैं। तो डेटर्स वैसे पर्सन होते हैं जो कंपनी का बकाया रखते हैं और उन्हें कंपनी को पेमेंट करना होता है। डेटर्स आर पर्सन हु ओर टू एन ऑर्गेनाइजेशन एन अमाउंट टू बाइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो अमाउंट बाकी है वो क्यों हो सकता है, तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने गुड्स या सर्विस को कभी ना कभी परचेज़ किया होगा, क्रेडिट परचेज़ किया होगा, इसीलिए आज भी उनके यहाँ कुछ अमाउंट जो है रिमेनिंग है और वो डेटर्स कहलाते हैं। बात कर लें हम वाउचर्स की, तो वाउचर्स जो होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। द डॉक्यूमेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज अ वाउचर। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, उसके एविडेंस के तौर पे, उसके प्रूफ के तौर पे काम करता है, उसे हम वाउचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी बाय गुड्स इन कैश वी गेट कैश मेमो, बट इफ वी गॉट इन क्रेडिट देन वी हैव अ रिसिप्ट्स। अगर हम किसी सामान को कैश खरीदते हैं तो दुकानदार हमें कैश मेमो प्रोवाइड करता है, लेकिन हम उसी सामान को अगर क्रेडिट पे लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो हमें रिसिप्ट देता है। तो ये दोनों जो हैं, दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ वाउचर्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे? वाउचर्स कहलाएंगे। और अब आ गए हम अपने लास्ट टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे, और वो है ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में हम आहरण बोलते हैं। विदड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। स्वामी के द्वारा, व्यवसाय के स्वामी के द्वारा जब गुड्स का या सर्विस का खुद के लिए यूज़ किया जाए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो उसे ही हम आहरण कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी। कुछ बातें और मैं बता दूँ। एसेट्स का जब हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज, इन तीनों के बारे में मैं कुछ और बता दूँ। एसेट्स जो है वो बैलेंस शीट के राइट साइड में होता है। एंड एसेट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू मोर टर्म्स। दे आर करेंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। ओके, सेम लाइबिलिटीज़ को भी दो और भागों में बांटा गया है, और ये हमारे बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में होता है, और इसे हम
जो शॉर्ट टाइम के होते हैं, शॉर्ट पीरियड के होते हैं, उसे हम करेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं उसे हम फिक्स लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हम लोग बात कर लें अगर कैपिटल की, तो इसे भी बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में ही दिखाया जाता है। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में दिखाते हैं, बट वी डिस्प्ले द एसेट्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। दैट्स ऑल। ये था हमारा आज का क्लास, और इसके साथ ही हम अपना ये सेशन भी एंड कर रहे हैं और अपना ये चैप्टर भी एंड कर रहे हैं। अगला क्लास जो होगा आपका, कल संडे है, परसों आपका जो अगला क्लास होगा उसमें हम 20 और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बेस्ड होगा हमारे प्रीवियस क्लासेस पे, और इस तरह से हम अपने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई रिमाइंड यू वंस अगेन, प्लीज़ डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टेलीग्राम डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और वहाँ मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।